हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ कंप्यूटर क्लास 7 हिंदी मीडियम। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। ये सभी वर्ग आपको याद भी करना है और उतारना भी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइलों को खोजने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो भी आप फाइल या प्रोग्राम बनाते हैं वो कंप्यूटर की आर्काइव में जाके सेव हो जाते हैं, यानी माय डॉक्यूमेंट में आप उन्हें देख सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट देखना है तो फाइलों को खोजने के लिए आपको सर्च मेन्यू के स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये गलती हो गया, ये आपको करना है स्टार्ट मेन्यू के सर्च बटन पर क्लिक करें। जैसे आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट बटन पर, उसके बाद सर्च पर आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको फाइल का नाम टाइप करना है, यानी जो भी फाइल आप खोलना चाहते हैं आपको उसका नाम भी टाइप ऑफ कीबोर्ड की सहायता से टाइप करना है। तो वो फाइल जहाँ पर भी होगी वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। टास्क बार क्या है? डेस्कटॉप पर नीचे की ओर एक पट्टी होती है, पट्टी मतलब होता है नीचे की ओर एक बार होती है जिसे टास्क बार कहते हैं। ओके, तो जो सबसे ऊपर की जो बार होती है हम लोग उसे टाइटल बार कहते हैं। इसी बार पर टेक टाइम तथा स्टार्ट बटन होता है, या और भी आप छोटे छोटे आइकन पे सिंबल्स हैं उसमें आप देख सकते हैं जो भी आपका टास्क बार होता है। नेक्स्ट है लाइन टू का पेन ब्रश में क्या कार्य है? देखिए, लाइन टू के द्वारा हम स्क्रीन पर सीधी रेखा खींच सकते हैं, यानी अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है तो हम यूज़ करते हैं लाइन टू। इसमें आप चाहे हॉरिजॉन्टल हो और चाहे वो आपकी वर्टिकल हो, आप दोनों तरह की लाइन में आप तैयार कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया टाइटल बार में जो होता है सबसे ऊपर की बार होती है, वह बताती है कि हम किस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। तो गेस्ट मैं ये तीनों क्वेश्चंस आपको याद भी करने हैं और उतारने भी है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।